कौन सा है भाई? कि ये विंध्याचल का प्रोजेक्ट है क्या? विंध्यनगर विंध्यानगर तो इसका प्लांट का क्या नाम है जो एनटीपीसी का? ये एनटीपीसी बोलते हैं, मगर प्रोजेक्ट का क्या नाम है मेरे भाई? अच्छा अच्छा, और ये कौन सा, ये बांध कौन सा है, ये पानी कहाँ से ले रहे हैं? माइनिंग माइनिंग में, ओल्ड माइनिंग, ओल्ड माइनिंग में वो पानी भरा हुआ है। अरे नहीं, कोल माइनिंग में तो भर रहा है यार, मगर वो तो उसमें जो पानी तो उसको ले रहे होंगे ना, तो इसी से तो पानी ले रहे होंगे। पानी लेते हैं सर, ये कोई यूज नहीं आता। ये ऐसे ही है सर, बस ओल्ड माइनिंग है सर ये। अच्छा अच्छा, ये पुरानी वाली माइनिंग है जो माइनिंग किया है वो वाला एरिया है। और ये कौन सी माइन है यार यहाँ पर? निगाही माइन। निगाही पीछे गया सर। और ये कौन सी माइन है फिर भैया? ये माइन से नहीं है सर, ये जैन का ही माइन था पहले। अच्छा, जैन का माइन पहले था, ये निकाल दिया बस, अब आप जयराम जी की फेंक दिया, अब कोई बात नहीं है, मतलब नहीं है भैया। अच्छा, जो ये वाला जो पानी पानी दिखाई पड़ रहा है, ये माइन का ही एरिया है क्या? तो ये माइन के ऊपर में जो नीचे निकाल दिया उसमें पानी जमा हो गया है, यही मतलब है? और उसके सामने में एनटीपीसी का वो प्लांट है, ये कौन सा कहलाता है? ये नहीं मालूम है आपका तो माइन के लेवल जो एनटीपीसी का कौन सा माइन है, ये नहीं मालूम है। हाँ, तो ये वाले करीबन 8 माइन बोलते हैं सर, विंध्यानगर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, अच्छा है। तो ये जो सिंगरौली एरिया में हम ये इतने सारे देख रहे हैं माइन। अच्छा, ये वाला माइन वाला जो एबंडन किया है यही वाला है? ये निगाही का है, निगाही का है, मगर इसमें से कुछ नहीं निकलता है, पहले निकाल दिया है, अब मिट्टी कर दी है, अब मिट्टी करके, और उसमें अभी पानी थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है। ये पानी नहीं दिखा रहा है ना? हाँ, पानी। अच्छा, उसके मिट्टी के ऊपर में पानी दिखाई रहा है बस, ये तो अब किसी यूज का नहीं है ना उसको। यू कैन नॉट यूज दिस, दिस हैज एक्सट्रैक्टेड, कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एरिया, बट यू कैन नॉट यूज इट नाउ, नाइदर बाय द हैबिटेट, नाइदर बाय द एनिमल्स, नॉर बाय द पीपल। सो दिस इज कम्प्लीटली अबंडेंट, दिस एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द कोल। सो वॉट कैन यू डू? ये सारा इसमें निकाल दिया है, कोयला निकाल कर इसको छोड़ दिया है। क्यों शंकर जी? तो इसका तो कोई यूज ही नहीं होता है अब ये, बस नहीं, नहीं, ना जानवर यूज कर सकता है, ना आदमी यूज कर सकता है इसको। जानवर यूज करते सर, आदमी भी यूज करते, मछली इसमें है सर। अच्छा अच्छा, इसमें मछली का काम कर? अच्छा अच्छा, मछली, मछली का के लिए है के? अच्छा अच्छा, ये वाला कोल वाला है, पुराना वाला है, अब इसमें मछली तालाब के लिए इसको यूज किया है। चलो कुछ तो इसमें डाला गया है। अच्छा, मछली डाला गया है, अच्छा अच्छा, एनसीएल लेयर डलवाया है, नॉर्दर्न कोल फील्ड। अभी सर पार्क बन रहा है घूमने का, स्थल बन रहा है सर। अच्छा, इसके इर्द गिर्द बन रहा है, किनारे किनारे मिट्टी कट गई ना, पूरा गार्डन बनेगा सर। अच्छा अच्छा, ये बेसिकली कोल माइन ही था। अच्छा, नॉर्दर्न कोल फील्ड, तो उसके पास में जो एनटीपीसी का प्लांट है। We are today in the Singrauli coal belt area, and there are around 8 coal mines, as you were saying. So this driver Shankar, he is the local man. He is explaining us most of the things, and from the ground situation, ground zero. So he is saying that around 8 mines are in this area. This is one of the major areas, coal that you can say that black gold. Yeah, this is, you can just see that this is the base workshop of the Northern Goldfield Limited. It is this giant mine, you know? So we are trying to understand basically the coal infested, or the black gold that we say, for India around 300 billion tons of coal is in India, and today we are only extracting around 500 million tons of coal in India. So by even if we extract 1 billion coal in India per year, so the coal can be extracted for the next 300 years. By the estimates that we are having today, these times in coal. But then it has some negative impacts also, negative effects also. It gives a lot of greenhouse problems, there's a lot of carbon dioxide, there's a lot of pollution. So we, India wants to basically push the economy and lift the poverty by generating maximum electricity through this black coal that we are having now. और कोई है क्या शंकर जी इसमें? अभी रास्ते में नजर आएगा सर। ठीक है, बता दीजिएगा। ये जैन का सीएसपी ट्रेन का रेक लोड होता है। एक मिनट भैया, एक मिनट ठहर जाए मेरे भाई, यहाँ से एक मिनट ठहर जाए यहाँ। ये उनका कोल हैंडलिंग प्लांट है, जैन का कोल हैंडलिंग प्लांट है।
Now you can just see that this is the coal handling plant of this giant, and this is the coal handling plant, and then this is the silo, and this is the of giant power station in Singrauli, and then these are the rakes. You can just see that these are the coal rakes, the train, and the loading is happening. And then we are this time in the Singrauli area, and this coal will go to different power plants across India. This is all the coal mining area. So thank you very much. God bless you. God bless you.